मैं समाज सेवी जय सिंगन्ना आज जौनपुर जिले के मछली शहर ब्लॉक के मीरगंज बाजार में उपस्थित हूँ, जो सांसद भोलानाथ सरोज द्वारा गोद लिया गया करियाव मीरगंज बाजार है, जहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए बालिका आ रही है, मेन सड़क है, आप देख रहे हैं कि पानी का भंडार लगा हुआ है, पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। इसका जिम्मेदार है कौन? इसको कई बार पास कराया गया, लेकिन पूरे बाजार का पानी यहाँ आके इकट्ठा होता है, लेकिन ना सांसद ना विधायक और ना ही कोई प्रधान इसको समस्या को सॉल्व करने वाला है। इसलिए और यहाँ पूरे बाजार का पानी आता है, इस समस्या से इतना ज़्यादा परेशान है लोग कि इस समस्या का समाधान नहीं होता। मैं जिले की पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूँ कि इस समस्या का समाधान कराएं। ये मीरगंज बाजार के टेलीफोन एक्सचेंज के पास ये है, मेन रोड पर तालाब बना हुआ है, ये बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को आने जाने में, दिक्कत होता है, जिंदगी खराब हो जाती है, अंग्रेज जमाने से चल रहा है, आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, दिक्कत है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है पता नहीं, कि ये नाला है, हमारे मीरगंज नाला है ये, इसको रोड चाहिए, इस रोड पे कभी कोई सांसद विधायक कोई समस्या सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जाएगा इसे बनवाएंगे आशा किन्नर प्रधान होती है वो। ये देखिए नाले का पानी, बाजार का पानी पूरा जाम हुआ है, कहीं भी पानी निकलने का साधन नहीं है। कोठना से चरौना मार्ग पूरी तरह टूट चुका है, पूरी तरह जर्जर हो चुका है, पूरी सड़क खड़हर में तब्दील हो चुकी है। ये देखें आप, कोई भी वाहन इस समय आने में डर लग रहा है, तो अब एस्मा लग गया है, अब यहाँ पे आंदोलन भी नहीं हो सकता है, तो इस समस्या का समाधान कौन करे? इतना विकराल समस्या आज तक सड़कों पर नहीं देखा गया। जौनपुर जिला पूरी तरह से सड़कों के मामले में जर्जर हो चुका है और शासन इसकी पूरी तरह अनदेखी कर रहा है। इसलिए मैं देश जौनपुर जिले के पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूं कि इस समस्या को उठाएं। आप देखें समस्या तालाब पूरी सड़क बन गई है। ये गोधना टू चरौना रामपुर मार्ग है।